You have to practice. I'll show you now. Naughty, naughty girl. तुम्हें दुनिया की सबसे naughty बच्ची का award मिलना चाहिए, you know? Really, mom, thank you. Shut up. एक तो exercise करने के लिए तैयार नहीं होती हो और dance practice में मुझे नचा दिया. Listen, तुम्हें dance contest में जाना है, मुझे नहीं. Do it once more, Shivani, please. Mama, mama, mama. You, mama, start. Mama, एक शर्त पे, एक शर्त पे. क्या शर्त पे? अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दें तो पूछो अपना स्टूपिड सा रिडल. बस स्टैंड और साइकिल स्टैंड में क्या डिफरेंस है? साइकिल स्टैंड क्या डिफरेंस है? बस स्टैंड में बस आती है, साइकिल स्टैंड में साइकिल. यस, आई न्यू दैट. नो, बस स्टैंड का स्टैंड वही रहता है, लेकिन साइकिल स्टैंड का स्टैंड उसके साथ जाता है. सो यू लूज मामा, एंड आई एम गोना नॉट प्रैक्टिस योर बीडी जलाइले. ये लड़की हमेशा मुझे बेवकूफ बना के जाती है. लेकिन हर बार फर्स्ट आती हूँ. बाय. अरे अब देखी गाड़ी नहीं चलाती, एक्सीडेंट हो जाता तो. सॉरी मैम, गलती हो गई.
नो गलती, लाइसेंस निकालो। लाइसेंस तो नहीं है, ये है, चलेगा? ब्राइब दे रहे हो? नहीं, मैंने सोचा नया मिल्की फ्लेवर है तो कोई बात नहीं, नीना खा लेगी, क्यों नीना? वैसे तो नहीं लेती पर ले लेती। क्या कर रही हो शिवानी, देर हो रही है। मुझसे ब्राइब ले रही है। अरे रेस के पहले चॉकलेट खाएगी तो दौड़ेगी कैसे? क्लब के गेट टुगेदर में बच्चों की रेस है, कोई ओलंपिक्स नहीं। नीना एवरी रेस इज इम्पोर्टेंट। सुदीप कहाँ है? वही हमेशा की तरह, बड़ी मीटिंग्स, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी बातें। बाय बाय। अगर तुम रेस जीतोगी ना तो एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट? हाँ। क्या गिफ्ट? सरप्राइज गिफ्ट। Your attention please. Parents are requested to clear the running area. अब track event शुरू होंगे with 100 meters race. तो सारे participants अपनी positions पर आ जाइए. All the best. On your marks. Get set. सॉरी मम्मा, मैं अगली बार पक्का फर्स्ट आऊंगी। नहीं बेटा, इट्स ओके माय चाइल्ड, इट्स ओके। शिवानी, पता नहीं लोग छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा इशू क्यों बना देते हैं। दीपू, शिवानी गिर गई है। अरे क्या हुआ, अच्छी खासी तो बैठी है, कुछ नहीं हुआ उसे। पापा, हाँ? आज आप पिटने वाले हो। You think I'm scared? Huh? You think I'm scared? मेरे पास मत आना, मैं नहीं बचाने वाली। शिवानी, ओए, 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 रुक जाओ, ओए, अरे सुन। मैं यूँ ही चिल्लाती हूँ ना, मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ ना, तुम्हारी जान मर गई। मैंने फोन किया, तुमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अरे नहीं, अरे रोशनी सुनो तो। क्या बच्ची से ज्यादा तुम्हें मीटिंग प्यारी है? गेट आउट, ओके? मेरी बात तो सुनो कम से कम। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ जाके कल की तुम्हारी कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। कल कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। और तो बना लो ना, क्योंकि मैं और शिवानी कल हॉलीडे पर जा रहे हैं। हॉलिडे? हाँ, 10 दिनों के लिए। हाँ? कहाँ? जहन्नुम में। नाइस प्लेस टू गो, जहन्नुम, है ना? कल जाऊंगी ना तब पता चलेगा। श्रेणी की बस जा रहे हो पापा? हाँ। बेस्ट ऑफ लक। पापा, चक दे फटे। गुड नाइट। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं शोर मचा दूंगी। अच्छा, और क्या कहोगी शोर मचा के? कि एक आदमी जबरदस्ती मेरे कमरे में घुसा है और मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है जो एक्चुअली
मैं भी करना चाहता हूँ। और जो घुसा है वो बहुत ही स्मार्ट आदमी है जो इंसिडेंटली कायदे से दिल से जान से इकलौता पति है। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट मिस्टर आर्किटेक्ट। तुम्हारे बिल्डिंग्स के प्लान्स तुम्हारी वाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी हैं और रोमांटिक भी। रोमांस माय फुट। ओए, आपको तो पता है मेरा रोमांस आपके पैरों में भी है। डोंट डिजिटेट मी सुदीप। हाय हाय, मिस्टर आर्किटेक्ट से सुदीप तक तो आ गई। अब धीरे धीरे सू हट जाएगा, दीपू रह जाएगा, फिर और भी कुछ हट जाएगा। मुझे हंसी नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मैं सॉरी कहूं तो आपको हंसी आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं मेरे कान पकड़ूं तो तुम्हें हंसी आ जाएगी। नहीं, अगर मैं ये कहूं कि शोगन्स का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया है, मतलब तुम्हारे पति को मिल गया है, और ये बेचारा पति बहुत सारा प्यार और बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस चाहता है, तो क्या थोड़ी सी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे आएगी? ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि कल से मैंने 10 दिन की छुट्टी ली है और हम तीनों कहीं वेकेशन पे जा रहे हैं, तो क्या तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी? सच? अरे नहीं रे, ऐसे तुम्हें पटाने के लिए कह रहा था, जाओ सो जाओ। You're so mean. कल का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं आज तुमको कहां ले जाऊं? जन्नत में, टू हेवन विद लव। मॉरिशियस? हाँ। अरे पागल हो गए क्या तुम? क्यों, मॉरिशियस सिर्फ पागल लोग जाते हैं क्या? नहीं वो मतलब नहीं है, लेकिन इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? इस बार पैदल नहीं जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। और सुनो, मैंने सैम को बोल दिया है टिकट बुक करने के लिए, अगले हफ्ते हम जा रहे हैं मॉरिशियस। ओके, बोल भी दिया? हाँ। अरे दीपू देखो ना, इट इज सो ब्यूटीफुल, इजंट इट नाइस? क्वाइट एक्सपेंसिव आल्सो। ओह, 3 सालों के बाद हम छुट्टियों पर जा रहे हैं, कंजूस। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि ऑफिस में कोई इमरजेंसी आ गई तो। ऑफिस? सॉरी, मॉरिशियस जाएंगे। ओके, डन 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 डन, मॉरिशियस। बेटा, हम लोग मॉरिशियस जा रहे हैं। हम लोग मॉरिशियस नहीं जाएंगे। Shut up! क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? देखो तो सही। मुझे नहीं देखना, हम लोग यहाँ जाएंगे। यहाँ? तुमको पता भी है ये घर कहाँ है? Of course पता है, ये तो मेरा घर है ना मम्मा? हाँ बेटा, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते अब। That reminds me, समीर कह रहा था कि कोई ये घर खरीदने में इंटरेस्टेड है। Really? हम लोग अपना घर नहीं बेचेंगे, हम लोग यहीं जाएंगे। कम ऑन बेटा, वेकेशन पे हम लोग यहाँ क्यों जाएंगे? देखो ना कितना प्यारा है। हम इधर ही जाएंगे, अपने घर में। बिहेव योरसेल्फ शिवानी, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ जाके सारा काम मुझे करना पड़ेगा। आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय माई हॉलीडे, वहाँ हम नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। मामा, मैं आपके सारे घर के काम कर दूंगी। No means no. रोशनी, ओके? हो क्या गया इसे? अरे छुट्टियां हैं उसकी, उसका मन है तो हो आते हैं ना। 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे और फिर जाएंगे मॉरिशियस। ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस? हाँ। शिवानी, यू विन। तुम जहाँ जाना चाहती हो हम वहीं जाएंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम जल्दी से आके मामा और पापा को अच्छी सी हगी दे दो तो। हाँ, आजा आजा आजा। Love you mom, love you dad. मैं तो कब से कह रहा था कि वेकेशन पे चलते हैं, टाइम ही नहीं है तुम्हारी मम्मी के पास। Look who's talking. Very bad. Very 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 bad. बेटा, फाइनली बात मनवाई ली। थैंक यू मॉम। मेरे डैडी को भी। नो। हाय सैम। रोशनी, कहाँ हो तुम? अरे सैम, मैंने तुमको बताया था ना। अरे मगर तुमने कहा था कि तुम जा रही हो और अचानक उस पुराने घर का प्रोग्राम बना लिया। ओए सैम, मेरी बीवी पे चिल्लाना मत, सुना? और देख,
नीना और दिया को लेके आ जाना तुम। सुदीप ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, यहाँ काम का इतना प्रेशर है। मैं सोच रहा था कि तुम लोग दो दिनों के बाद जाने वाले हो, कि सुबह रोशनी ने एसएमएस भेज दिया कि नहीं, मैं तो अभी जा रही हूँ। क्या? हेलो सैम अंकल। हाय स्वीटहार्ट। सैम अंकल मैं वो कहूँ जो मेरी मामा आपसे हर रोज कहती है? क्या मतलब, क्या कहती है? यू नीड अ ब्रेक सैम। शिवानी, शिवानी जैकेट तो पहन के जाओ। अरे छोड़ो ना, घर तो आ ही गया। अरे प्रणाम मैम साहब, जयराम जी की साहब। कैसे हो भीम सिंह? हेलो राम सिंह अंकल। अरे राम सिंह नहीं बिटिया, राम सिंह का बेटवा भीम सिंह। आई ये हमारा नाम कैसे जानती है? ये तो यहाँ पहली बार आई है। अरे आपको कौन नहीं पहचानता। अरे साहब अब क्या बताएं, हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। जाइए सामान निकालिए, जाइए। अरे भीम सिंह, ये कांच कैसे टूट गया खिड़की का? अरे परेशान हो गए हैं साहब, तीन बार शीशा ला चुका हूँ, बदलने से पहले ही ससुरा टूट जाता है। क्यों भीम सिंह, अभी भी वैसे ही कामचोर? अरे क्या बात कर रही है मैम साहब, टाइम ही नहीं मिलता है। इतना बड़ा घर है, सुबह से शाम हो जाती है, हमको तो सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलता है। साफ किया है या नहीं, या वैसे ही गंदा पड़ा है? अरे मैम साहब एकदम चकाचक करके रखे हैं, देखकर खुश हो जाएंगे। अरे आप तो पहले पहुंच गए। राम सिंह जी, हमारे लिए चाय बना देंगे आप? वो कैसे बनाएंगे, वो तो चौल बस है, हम तो राम सिंह के बेटे भीम सिंह हैं। भीम सिंह जी आप हमारे लिए चाय बना देंगे प्लीज? और अब भी बना के लाते, बहुत बढ़िया चाय बनाएंगे, टकाटक मजा आ जाएगा। थैंक यू। अरे 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 आप तो यहाँ सेटल हो गई, लेकिन ये तो आपका कमरा नहीं है, आपको अपने कमरे में जाना पड़ेगा। जी शिवानी जी, ये आपकी मम्मी का और मेरा कमरा है, आपका कमरा उस तरफ है, जाइए भीम सिंह अंकल से पूछिए। मुझे इसी कमरे में सोना है, ये मेरा कमरा है। अच्छा तो आप यहाँ सोएंगी, तो हम कहाँ सोएंगे? तो आप लोग भी यही सोएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमेशा घर में अलग कमरे में सोती है ना, आज भी वैसे ही सोएंगे। चलिए चलिए चलिए, मुझे इसी कमरे में सोना है, इसी कमरे में, इसी कमरे में सोना है, मेरा कमरा है, मुझे यही सोना है। शिवानी हो क्या गया इसे? क्या होगा, तुम्हारे लाड प्यार नहीं तो बिगाड़ा है। अरे मैं प्लीज बात जिद्दी हो गए हो तुम। रोशनी शिवानी को सोना है ना इस कमरे में, ये सोने दो तुमसे। सोना है ना? इसके पहले चलो सो जाओ। चलिए चलिए रोशनी जी, शिवानी का कमरा ही है। बिल्कुल बाय। रात को फूल नहीं तोड़ते हैं। तो फिर क्या करते हैं रात को? तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही ट्रैक पर चलता है। रोशनी, हम लोगों ने अपनी जिंदगी यहीं से शुरू की थी, है ना? मगर पापा से लड़ाई भी यहीं हुई थी,
पापा आज भी तुमसे नाराज हैं। हाँ बेटे से तो नाराज हैं, लेकिन बहू से तो बहुत प्यार करते हैं। रुशु, रोशनी, अलाउ नहीं है। अच्छा, क्योंकि एक प्यारी सी बच्ची अंदर अकेली पड़ी थी। अच्छा, ये अच्छा, प्यारी अच्छा। बच्ची कौन है? प्यारी सी बच्ची कौन है? कहीं ये तो नहीं है? ये तो नहीं है, ये प्यारी बच्ची है। प्यारी बच्ची, प्यारी सी बच्ची। सो गई? हाँ, बड़ी मुश्किल से सोई, बहुत जिद्दी हो गई है, पता नहीं क्या। रुशु, कितना काम करती हो तुम? आओ मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। क्या कर रहे हो? पता है, कल मैंने एक हेल्थ मैगजीन में पढ़ा, दिल तंदुरुस्त रखने के लिए आपकी जिंदगी में रोमांटिक नाइट्स का होना बहुत जरूरी। शट अप, सो जाओ। क्या हुआ? जस्ट फॉर आवर हेल्दी हार्ट्स। राम सिंह अंकल? अरे राम सिंह नहीं बिटिया, भीम सिंह, भीम सिंह। ऐसा ना बोलिए, नहीं तो गिलास फिर से टूट जाएगा। आपकी बार ऐसा गिलास लाए हैं कि साला टूट के तो दिखाए। फिर से टूट जाएगा भीम सिंह। अरे मैया के, अरे बिटिया ऐसा कैसे टूट जाएगा? इका बड़ा संभाल के लाए हैं, फेविकॉल से चिपका देंगे। हाँ ओके मैया के। ये मसाला नमक, नमक नमक बाद में डालते हैं दीपू। कुक कौन है? तुम। नमक कब डालते हैं? अब। लाओ चलो। हाँ। कमा कौन को? अब नमक, नमक क्विक। नमक लो। यस 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 यस। कितना डालूं? पापा हंस लो, खाना बन जाएगा तब पता चलेगा। उंगलियां चाटते रह जाओगे। हाँ, और कुछ तो चाटने लायक रह गए नहीं ना। ये साला हाथ में गिलास कैसे टूट जाता है? आगे मई आगे, ये खाना बना रहे हैं कि बर्तन के साथ युद्ध लड़ रहे हैं? ओए। अच्छा, यहाँ सबसे नजदीक पिज्जा हट कहाँ है? अंग्रेजी तो हम समझते हैं, लेकिन थोड़ा कम। हट माने झोपड़ी, पिज्जा मतलब का? टोमेटो सॉस, क्विक 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 क्विक, टोमेटो सॉस। झूला झूला झूला, मामा प्लीज झूला लगा दो ना। अगर मैं अभी किचन से जाऊंगी ना, तो जो थोड़ा बहुत चांस है खाने लायक खाना मिलने का, वो भी खत्म हो जाएगा, समझी? मम्मी झूला, मम्मी झूला, मम्मी झूला लगा दो। कितनी बार कहा हमारा नाम भीम सिंह? चलो बेटिया जरा संभल के इमें बैठ के देखा बिटिया, ठीक है ना? ठीक है भीम सिंह अंकल। तो झूला लग गया? मम्मी झूला झुलाओ ना। मम्मी झूला लगा। अगे मई अगे, भीम सिंह गिर गए थे। पता नहीं तुम्हारे पापा को कभी कभी क्या जिद चढ़ जाती है। आज तो समझ लो व्रत रखना ही पड़ेगा।
हंसो मत, तुम भी वैसे ही जिद्दी हो। पापा और बेटी एक से बढ़कर एक। मैं कुछ भी कहूँ उसका उल्टा ही करते हो तुम दोनों। मैंने कहा मॉरिशस चलते हैं और तुम्हें यहाँ आना था। मैंने कहा खाना मैं बनाती हूँ तो पापा लग गए खाना बनाने। शिवानी शिवानी तुम उधर मत जाओ। रोशनी क्या हुआ शिवानी? क्या हुआ शिवानी को? वो ऊपर झूला। शिवानी शिवानी नीचे उतरो। ऊपर का माजरा है। आगे भैया के शिवानी मामा दूध नहीं पीना। मामा आज सुबह आप डर गई थी ना। सॉरी मामा, आई एम सॉरी ना। गाना है ना सुनाओ ना। रुशु कितने दिनों बाद तुम्हारी लोरी सुनी। क्या हुआ अभी तक डिस्टर्ब हो? हाँ सो जाओ, सुबह तक ठीक हो जाओगी। आओ आओ आओ। दीपू कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अरे सिर्फ वो झूले वाली बात नहीं है, उसके अलावा भी पता नहीं। मैंने सैम को फोन कर दिया। रुशु प्लीज वो कल आ जाएगा।
साथ में दिया और नीना भी। ठीक है चलो अब सो जाओ। एक काम करते हैं, अब मैं तुम्हें लोरी गा के सुनाता हूँ, जिंदगी भर नींद नहीं आएगी। तुम तो सो गई थी ना? नींद खुल गई। जैसा बाप वैसे बेटी। और अब बाप और बेटी मिलके काम करेंगे, है ना? मम्मी सो गई। हाँ सो गई। अकेली? अकेली और कौन होगा? कौन है कौन है कौन है कौन है? आपको पापा की टाउनशिप देखनी है? देखनी है। देखनी है? चलो अब शिवानी पापा का डिजाइन, एक मिनट, ये डिजाइन देखेगी और बताएगी कि पापा का क्रिएशन कैसा है ना? ये देखो, ये है प्लान और ये यहाँ पे होंगे बहुत सारे ऑफिसेस इधर भी, और हाँ ये देखो ये होगा टाउनशिप का एंट्रेंस, ये होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ये यहाँ पे होगा बड़ा सा होटल और इस बिल्डिंग के पीछे होगा प्लेग्राउंड। और इस रास्ते तुमको पता है इस टाउनशिप का नाम हम क्या रखेंगे? क्या? शिवानी टाउनशिप। और यहाँ पे होंगे बहुत सारे घर। हमारा घर वहाँ होगा ना? नहीं बेटा, हमने अभी तक सोचा नहीं यहाँ पे हम घर खरीदेंगे कि नहीं। खरीद के नहीं, ये वाला घर। ये वाला घर वहाँ कैसे होगा शिवानी? और वैसे भी हम ये घर बेचने वाले हैं। ये तो हमारा घर है, ये घर वहाँ होगा। शिवानी ये घर वहाँ कैसे होगा? ये घर तो यहाँ है ना। ये घर चाहिए मुझे, ये घर चाहिए मुझे, ये घर चाहिए मुझे। शिवानी स्टॉप इट, स्टॉप इट, पागल हो गई हो क्या? देखो तुमने क्या किया है, देखो देखो। अब तुम्हें छुट्टियों में कहीं नहीं ले जाएंगे, कल ही वापस जा रहे हैं हम लोग। रोशनी, रोशनी, दीपू, दीपू, क्या ये? रुको बेटा, पापा डर गए, पापा डर गए, पापा डर गए, पापा डर गए।
Oh God. Shivani. आप लोगों ने भी ऐसा ही कुछ बनाया था ना? तो आप बच्चे के बारे में सोच रही हैं। लेकिन अच्छा लगता है उसके बारे में सोचना। और तुमने ये भी सोच लिया कि वो लड़की होगी? जी हाँ, लड़की होगी और उसका नाम होगा गौरी। गौरी। हेलो। हाय मेरी जान, मिस कर रही हो मुझे? हाँ दीपो। हाँ रुशु, क्या हुआ? दीपो तुम वापस कब आ रहे हो? हाँ लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं वो, एक्चुअली आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। हाँ तो? उन्होंने कहा मैं माँ बनने वाली हूँ। ओह गॉड। रुशु। पता नहीं। लेकिन हम तो अभी बच्चा नहीं चाहते हैं दीपू। रुशु डोंट वरी। देखो अभी देर नहीं हुई है, मैं दो दिन में वापस आ रहा हूँ। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और मगर पापा। मैं बात करूँगा पापा से, तुम चिंता मत करो। मुझे वापस आने दो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? Love you, Deepu. Love you too. अरे आओ भाई मोहन, आओ। मेरे लिए? अच्छा। अब आ तो गए हैं, पर ये तो बताइए ये सरप्राइज पार्टी आप किस खुशी में दे रहे हैं? भाई कल मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर सुनी है। अच्छा? मैं दादा बनने वाला हूँ, ये तुम्हारे लिए। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ त्रिपाठी, आ रहा हूँ यार। क्या हाल है सर? अच्छा अच्छा, ओके। ये तो आपने खुशखबरी सुना दी, बस ऊपर वाले की बिल्कुल। क्या हुआ रोशनी? ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पापा ने इस खुशी में पार्टी भी रख ली, पर मैं और सुदीप अभी ये बच्चा नहीं चाहते थे। It's okay, रोशनी, be relaxed. I'm so happy for Sudeep, uncle, really. I'm so happy. लेकिन फिर भी तुम कब फैमिली शुरू करोगे? मुझे इतनी हिम्मत नहीं है कि मेकिंग अप माइंड क्या होता है? पापा को जाकर कुछ कहूँ? मेरे करियर तो बन गया, उसके बाद में हम भी करियर तो बन। देखो ना बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी। पापा कितने खुश हैं। ये सरप्राइज पार्टी है। अरे सुदीप आ गया। कांग्रेचुलेशन सुदीप। हाँ। मुबारक हो सुदीप। मुबारक हो। क्या हो रहा है? जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, सबको पता चल गया है तुम बाप बनने वाले हो। अरे मेरा बेटा। पापा। सुदीप प्लीज। ये सब क्या है रोशनी? वो एक्चुअली हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था? प्लीज एबॉर्शन करवाएं। हाँ। तुमने हाँ कहा था। अगर तुम्हें एबॉर्शन नहीं करना था तो मुझे बताना चाहिए था। यहाँ तुमको पता है सुदीप, प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड सुदीप, ऐसी बात नहीं है, ये मेरी इच्छा नहीं है, ये पापा की जिद है सुदीप। वैसे
पापा बहुत बीमार है। अगर मैं कहती थी कि मैं अबॉर्शन करना चाहती हूँ, इट वॉज लाइक किलिंग हिम। नहीं रोशनी, उन्हें ना बताना गलत है। और आप क्या करोगी, बच्चे को जन्म दोगी ताकि पापा की तबीयत ठीक रहे, और हमारे फ्यूचर का क्या, वो बर्बाद हो जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। सुदीप प्लीज। नहीं रोशनी, घबराओ नहीं बेटा, मैं इतना कमजोर नहीं कि तुम्हारे और बहू के एक डिसीजन से मर जाऊं। आई एम सॉरी पापा, मुझे पता है कि आपको दुख हो रहा है, लेकिन हम अभी अपने बच्चे के लिए तैयार नहीं है। हमारा करियर अभी शुरू भी नहीं हुआ। तुम आजकल की जनरेशन के लोग ये क्यों सोचते हो कि बच्चे के आने से तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी? पापा आप, या तुम लोगों की लाइफ से फ्रीडम चली जाएगी? बच्चा भगवान की देन है, भगवान के साथ तो कम से कम ऐसा मत करो। आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए पापा, ये सब कह के हमें गिल्ट मत दीजिए। हम अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, आजकल ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो अभी अबॉर्ट करवा लेगी और जब चाहे हम। तो ये फैसला है, मतलब तुम बच्चे को बेसिकली मारना चाहते हो। इतना ड्रामेटिक करने की जरूरत नहीं है पापा। तुम हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि पापा मेरा कोई छोटा भाई या छोटी बहन क्यों नहीं है। आज बताता हूँ, उस वक्त हमारे हालात ऐसे थे कि हम सिर्फ एक ही औलाद के लिए तैयार थे, बट आई मेड श्योर कि मुझसे कोई गलती ना हो। ये ड्रामेटाइजेशन नहीं है बेटा, तुम में जिम्मेदारी की कमी है। पापा मैं जानता हूं, वो एक जादुई क्षण होता है जब कोख में जादू की तरह एक मिरेकल का जन्म होता है। तुम उस मिरेकल को मार देना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि उसका जन्म नहीं हुआ तो उसमें जान नहीं है। अरे अगर जान नहीं है तो तुम्हारी कोख में हलचल क्यों होती है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई। पापा मुझसे ज्यादा दर्द कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन हम दोनों अभी इसके लिए तैयार नहीं है पापा। फ्यूचर में तुम दोनों के सामने एक छोटी सी नन्ही सी जान होगी जिसे तुम कहोगे मेरी बच्ची, मेरी जान, मेरे जिगर, मेरे दिल के टुकड़े। तुम उस जान को पापा, आई डोंट थिंक वी वांट टू डिस्कस दिस एनी मोर। ओके मैं चलता हूं। वैसे भी तुम लोगों की इस तरह की जिंदगी मेरा दम घुटता है। मैं गैस से कह दूंगा कि देयर इज नो सरप्राइज पापा। गुड लक टू बोथ ऑफ यू। रोशनी मुझे पता है तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है, मैं कोई भी फैसला तुम पर थोपना नहीं चाहता। अगर तुम एबॉर्शन नहीं करवाना चाहती तो वही से इस बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला हम दोनों ने मिलकर लिया था ना दीपू, तो अब मैं मेरा ये फैसला बदल कैसे सकती हूँ? और कल अगर मैं इस बच्चे को जन्म भी देती हूँ और उसे पता चले कि हम उसे इस दुनिया में नहीं लाना चाहते थे, तो ये कभी हमें माफ करेगा? नहीं ना दीपू, मेरा फैसला आज भी वही है दीपू। मैं अबॉर्शन करवाऊंगी।
पापा। आपने सही कहा था, मैं आपको कभी नहीं माफ कर सकती। अब आपने मुझे पहचाना मामा, पापा। गौरी। हाँ पापा, गौरी, वही गौरी जिसने अपने मरने का फैसला खुद सुना था, उसी जगह से जहाँ बच्चा खुद को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करता है। उसकी माँ की कोख में है ना मामा, मुझसे डर रही हूँ ना। शिवानी को देख के प्यार आता है और मुझे देख के डर। मैं प्यार जाती थी पर प्यार मिला शिवानी को। हर रोज ये सोचती थी कि शायद आज मुझ पे तुम्हें प्यार आ जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। जितनी बार तुम शिवानी को सजाते थे, प्यार से माथे पे बिंदी लगाते थे, उसका जन्मदिन तुम धाम से मनाते थे, उसे प्यार से गोद में उठाते थे, मुझे उससे जलन होती थी। 3 महीने में तुम्हारे कोख में थी पर हर दिन मैं डरती थी कि आज तुम लोग मुझे मार न डालो। मैं रोती थी पर मेरी आंसुओं की टपकने की आवाज सिर्फ भगवान ही सुन सकता था। जा रहे हैं हम लोग? बेटा चुप रहो, हम लोग घर जा रहे हैं। और शिवानी, उसे नहीं ले चलेंगे? पापा, मुझे बेवकूफ बना के जा रहे थे। मैंने कहा था ना 3 दिनों से पहले आप कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं, मामा, आपको आवाज सुनाई दी? पापा, आपको? शिवानी की रोने की आवाज। गॉड, पापा जरा जाके तो देखिए शिवानी है कहाँ। जाइए जाइए। शिवानी,
मम्मा मम्मा मामा क्यों हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा। तो फिर यहाँ क्यों खड़ा? हम मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। पता है आज मैंने क्या देखा? इतनी सी नहीं, इतनी छोटी चलती चिड़िया एक नेस्ट में थी। बहुत स्वीट थी, बहुत प्यारी थी। अभी अभी उनका जन्म हुआ होगा। उससे पहले वो कहाँ थे? अंडे में। इतने छोटे अंडे में? हाँ अच्छा, जैसे मैं यहाँ थी। पापा के पास जाओ बेटा। Two little dicky birds sat on the wall. One named Peter, other named Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. पापा पेपर क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पापा, अंडे में से चिड़िया कैसे बाहर आती है? पापा आप जवाब क्यों नहीं देते? अंडे में से चिड़िया कैसे बाहर आती है? अरे हम बताओ थे बिटिया, ये देखिए वो कहा है कि जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया मादा मैया चिड़िया, वो अंडे पर बैठती है, उसको सेकती है, उसमें से बच्चा निकलता है, बस। आपसे पूछा, एक काम कीजिए राम सिंह। अरे भीम सिंह बोलिए ना बिटिया, आप तो हमको भीम सिंह बोलिएगा ना। उफ, अच्छा बाबा सॉरी, भीम सिंह अंकल, अब आप जाएंगे प्लीज। दीपू, पता नहीं क्यों जैसे शिवानी पास आती है बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो मानो शिवानी नहीं गौरी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हम तो अपने ही बच्चे से डर रहे। मम्मा क्या हुआ? मम्मा एप्पल खा गई? क्या हुआ?
बिटिया को क्या हुआ शिवानी को? अरे लाई को क्या हुआ? क्या हुआ शिवानी बिटिया को? उनको कहा है कुछ होगा, हम तो कह रहे थे कि हम पिंजरा लाए हैं शिवानी बिटिया के लिए, देकर आते हैं, बहुत मजा आएगा उनको। शिवानी बिटिया, शिवानी बिटिया, ई देखिए काल आए हम आपके लिए। कीच, क्यों? अरे वो जो चिड़िया के बच्चों आपको पसंद आए थे ना, ले जाइए उनको अपने साथ। उनको उनकी माँ से अलग करके? नहीं नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं, बड़ी मुश्किल से लाए थे हम। वैसे शिवानी बिटिया, आप लोग कब जा रहे हैं? कहाँ? अपने घर नहीं जाइएगा बम्बई में? नहीं भीम सिंह अंकल, अब हम यही रहेंगे, ये तो है हमारा घर। अरे नहीं नहीं बिटिया, आप तो घर बेच रहे हैं ना, काश हमारी कोई लॉटरी लग जाती ना तो ये घर हम ही खरीद लेते, और अगर हम खरीद लेते ना घर, तो घर का पूरा नक्शा ही बदल देते। हाँ जैसे जैसे आप क्या कहते? अरे जैसे का, ये जो दीवार में पीला रंग है ना, ये पीला नहीं होता, पूरा नीला कर देते आसमान की तरह टकाटक। और ये जो पर्दा है, ये सादा नहीं होता, हमरे जो शर्ट में फूल लगा है ना, वैसा फूल वाला होता। अरे अरे हम सच कह रहे हैं बिटिया। ओके भैया, ओके भीम सिंह, क्या क्या हुआ? अरे हमको माफ कर दो, अरे हम करो घर नाई की कितना ही खरीदेंगे, अरे हम साफ सफाई भी ठीक से करेंगे। क्या हुआ भीम सिंह? अरे हमको कुछ ना करना। Shivani!
प्रणाम साहब, प्रणाम मैम साहब। साहब ने बताया नहीं आप लोग आने वाले हैं। कहाँ है सुदीप साहब? ए सुदीप, रोशनी। अरे क्या तुमने फोन पे डरा दिया यार? क्या हुआ रोशनी? अंदर आओ बताते हैं। भीम सिंह सामान ला। नहीं साहब, वो बुसट का फूल। भीम सिंह सामान उठाओ और गेस्ट रूम में रखो। जी। ऐसी क्या बात है कि सुदीप अचानक बुलवा लिया? हाय सैम अंकल। आहा, मेरा बेटा, मेरा बच्चो, कैसा है, कैसा है मेरा बेटा? I missed you, बेटा। हाँ, कहाँ गया था मेरा बच्चा? I missed you so, so much। और ये मेरी परी के लिए जादू का चॉकलेट। जादूगरनी को जादू दिखा रहे हैं। क्या कहा? कुछ नहीं, आपके दुपट्टे में फूल पत्ती है ना, समझ जाइएगा। भीम सिंह। अरे उसे छोड़ो, ये देखो ये मेरी साहबजादी जो है ना, सारे रास्ते रोते आई है। अरे हेलो मैडम, आपकी मम्मी ये है ये नहीं? हाँ अरे अभी तो हंस रही थी, क्या? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। धीरे बोलो सैम, शिवानी सुन लेगी। ऑफ कोर्स सुन लेगी, और उसे सुनना भी चाहिए, उसे पता तो चले कि उसके माँ बाप का दिमाग कितना ज्यादा खराब हो गया है। सैम तू। I know सैम, ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, लेकिन लेकिन हमने अपनी आँखों से देखा है। क्या देखा है? झूला हवा में गायब हो गया, फिर शिवानी भी गायब हो गई, और फिर दोनों वापस भी आ गए। वाह, और फिर उस कांच ने अटैक कर दिया। दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग दैट आई हैव हर्ड। लेकिन सैम, गौरी के बारे में, आई मीन उस अबॉर्शन के बारे में हम चारों के अलावा और अंकल के अलावा किसी और को कुछ मालूम भी नहीं था, और शिवानी तो ये सब कुछ जानती भी नीना, नहीं थी। तुम भी इनकी बातों में आकर सुपरस्टिशियस हो गई? यू रियली वांट मी टू बिलीव कि एक नहीं जन्मे बच्चे की आत्मा आकर इन्हें परेशान कर रही है? समीर मुझे पता है इन बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इन बातों का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन है रोशनी, एंड इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। वेकेशन के लिए तुम लोग इस वीरान जगह में आते हो। इंसिडेंटली ये वही जगह है जहां जहां रोशनी ने कंसीव किया था, और तुम लोगों ने अबॉर्शन का फैसला लिया था। पापा की कही सारी बातें गिल्ट बनकर तुम लोगों के जहन में गूंजती है, एंड व्हाट हैपेंस इज हैलुसिनेशन, भ्रम, वहम। इसकी कोई रीजनिंग्स नहीं होती हैं। इसे मत छूना, ये लो। अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये सब होता ना समीर, तो तुम भी इन बातों पर विश्वास करते। Give me a break, Sudeep, please. अरे, दिया कहाँ गई? दिया? दिया? सुदीप? सुदीप? शिवानी? सुदीप क्या हुआ? सुदीप मेरी बात तो सुनो। शिवानी? सुदीप? शिवानी? सुदीप? सुदीप क्या है ये? बच्चे हैं, खेल रहे हो? क्या मजाक है ये? क्या हुआ? सुदीप? शिवानी? बात तो सुनो सुदीप। शिवानी? सुदीप? दिया? तुम वहाँ ढूँढ रहे हो समीर? शिवानी? हाँ मैं उसे देख रहा हूँ। शिवानी? शिवानी? शिवानी शिवानी दिया भीम सिंह। हाँ जी। तुमने शिवानी को कहीं देखा? हाँ देखा, अभी अभी साहब की बिटिया को गोद में लेके जा रही थी, बहुत कूट लग रही थी। किस तरह कही है?
पीछे की तरफ। क्या हुआ? क्या हुआ भेंसी? समीर कम ऑन। क्या हुआ? सुदीप चलो। शिवानी। आगे आगे मैं आगे। शिवानी। 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 पापा, मैं तो दिया को वॉटरफॉल दिखा रही थी। देखो ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह मुमकिन कैसे हो सकता है। अगर एक मिनट भी और देर हो जाती तो मेरी दिया। दिया को कुछ नहीं होता सैम। One, two. मिल गया स्टोन। One, two, three, four. रोशनी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम ये कैसे कह रही हो कि दिया को कुछ नहीं होता। तुमने देखा नहीं था जिस तरह से शिवानी ने दिया को पकड़ के रखा? शिवानी नहीं, गौरी। और गौरी को दिया से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ शिवानी चाहिए। सुदीप, मेरे ख्याल से हम लोगों को यहां से चलना चाहिए। गौरी हमें जाने नहीं देगी। अगर हम जाते भी हैं तो हमें शिवानी को यहीं छोड़कर जाना होगा। और मैं अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गौरी हमें जितना भी वक्त देती है, मैं शिवानी के पास ही रहूंगी। क्या हुआ पापा? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है, बोलो ना। मम्मा, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मम्मा, मुझे लोरी सुनने का मन है। पापा, मम्मी को बोलो ना सुनाए। मम्मी सुनाओ ना। मम्मा लोरी सुनाओ ना। मम्मा सुनाओ ना। मम्मा प्लीज। लोरी गाने इसीलिए बोला क्योंकि गौरी ने तुम्हें बोला था ना? गौरी? कौन गौरी?
पापा। पापा, आप? मैंने फोन किया था। जीते रहो। शिवानी कहाँ है? अंदर है। कैसी है मेरी रानी बच्ची? अल्लाह अल्लाह। आप कब आए दादू? बस बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगा मेरी बच्ची मुझे याद कर रही है और मैं चला आया। हम यहाँ वेकेशंस के लिए आए थे, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो। ओ, कोई बात नहीं, अब दादू आ गए हैं, बच्ची की तबीयत भी ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे पहले दादू को एक अच्छी सी हगी दे दो। I missed you, दादू। I missed you too, बेटा। आप मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे ना? नहीं बेटा, जो जिससे प्यार करता है उसे छोड़कर थोड़े जाता है, वो तो उसके पास आता है। I love you, दादू। I love you too, बेटा। पापा, अब क्या होगा? कहीं गौरी शिवानी को? मैं तुम्हारे डर को समझ रहा हूं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब वो जन्मी ही नहीं तो फिर कैसे? युद्ध की सारी कला अभिमन्यु कोख में ही सीख गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराणों में लिखा है। तुमने जिसे मारा वो गौरी का शरीर था, उसकी आत्मा नहीं। मगर पाप। बेटा, मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि जिसे मैं अंदर प्यार करके आया वो शिवानी नहीं थी, गौरी थी। गौरी अपना बदला जरूर लेगी, तुम्हारी नादानी की सजा शिवानी को मिल रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम अपनी दूसरी बच्ची को ना खो दो। कोख में हर बच्चा अपने आने वाले कल का इंतजार करता है। तुमने उसके आने वाले कल को मार दिया। इस तरह से किसी की जान लेना शायद हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब सजा का वक्त आता है तो हम रोते हैं, बिलखते हैं, सामने वाले से दया की भीख मांगते हैं। तुम भी ऐसा करो, अपने पछतावे में अपने आंसुओं को मिलाकर अगर शिवानी को बचा सकते हो तो उसे बचा लो। हम लोगों ने ऐसी गलती की है जिसे अब हम चाह के भी
सुधार नहीं सकते, लेकिन हम, तुम हमारी बात सुन रही हो ना गौरी? हमारी बात सुन रही हो ना बेटा? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा, पर क्या करें? अब चाहे तो भी तुम्हें अपनी दुनिया में ला नहीं सकते। तुम हमें जो चाहे सजा दो, हमारी गलती है, लेकिन शिवानी ने क्या किया है बताओ? हमारी शिवानी को छोड़ दो प्लीज। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? माँ चाहिए ना? तुम मुझे अपने पास बुला लो बेटा, अपने साथ ले चलो मुझे, हम दोनों साथ रहेंगे। तुम्हारी जो दुनिया है उस दुनिया में मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, बहुत। अपने सीने से लगा कर रखूंगी हमेशा हमेशा। पर बेटा तुम शिवानी को छोड़ दो, मेरी शिवानी को कुछ मत करो बेटा, शिवानी को छोड़ दो बेटा, शिवानी को छोड़ दो शिवानी। सुदीप क्या हुआ? शिवानी, सुदीप अभी शिवानी हाथी और अरे ऐसे कहाँ गायब हो गई? ये क्या? सुदीप 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 क्या हुआ? सुदीप क्या हुआ? अंकल शिवानी गायब हो गई। मैं समीर जोड़ती हूँ, मेरी जान ले लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो गौरी, छोड़ दो। पर मैं भी तो तुम्हारे बच्चे हूँ ना? या शायद नहीं, क्योंकि मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ था, मुझे तो पहले ही मार दिया गया था ना। माँ का प्यार पाने के लिए जन्म लेना बहुत जरूरी होता है ना मम्मा?
सिर्फ माँ के पेट में रहने से प्यार थोड़ी मिलता है। गौरी मेरी बच्ची। नहीं मम्मा, मुझे अपनी बच्ची कह के मत बुलाओ। जिस तरह पापा अपनी जान पे खेलकर शिवानी को बचाने के लिए आए थे, वैसे उस तरह मेरे लिए नहीं आते ना पापा। अब मुझसे नफरत करते हो ना? अब कभी नहीं चाहते थे कि मैं आपके पास आऊं? आपको तो शिवानी चाहिए। ले जाओ इसे, मैं इसे कुछ नहीं करूंगी। मैं इसके साथ वो कभी नहीं करूंगी जो आप लोग ने मेरे साथ किया था। हमारी दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे अनचाहे बच्चे हैं, और काली रात में जब बिजली कड़कती है, पात्र गरजते हैं, तो हमें बहुत डर लगता है। जो मम्मा पापा हमें नहीं चाहते, उन्हीं मम्मा पापा के लिए हम सब लोग चीखते हैं, रोते हैं। मम्मा, ऐसी किसी रात में जब मुझे बहुत डर लग रहा हो, क्या मैं आप लोगों के पास अपने घर में आ सकती हूँ? आप लोग मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपके गोद में छिप जाऊंगी। इतना प्यार आप लोग मुझे करोगी ना? प्लीज मम्मा, प्लीज पापा।